गाइस, दिस इज एडी एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग एडी द नॉलेज। करंट लोकेशन की बात करूँ तो मैं इस वक्त हूँ ऑन द रोड, और एक महीने के बाद जख्खू बंदर के हालात कैसे हैं, क्या परिस्थिति है वहाँ की, आज इस व्लॉग में हम देखते हैं। काफ़ी समय के बाद मैंने ये व्लॉग शूट करने का सोचा है, रियली एक महीना हो चुका है। तो इस वक्त मैं हूँ गाड़ी में और जस्ट 5-10 मिनट के अंदर मैं जख्खू बंदर पर पहुँचूँगा और परिस्थिति देखते हैं वहाँ की कैसी है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। चुका है डिमोलिशन को और अब एक महीने के बाद कैसी परिस्थिति है, कैसे हालात है, ये आज हम देखेंगे इस ब्लॉग में। लास्ट जो ब्लॉग था वो 19 डेट को था, यानी कि 19 अक्टूबर को था, और आज 12 तारीख है। तो दोस्तों, हम जख्खू बंदर में एंटर हो रहे हैं, ये जख्खू बंदर का द्वार है। तो देख सकते हैं आप इस वक्त की कच्चे टेंट जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी भी मछुआरे बहुत कम हैं, जो गए थे वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये दृश्य है यहाँ का, देख सकते हैं आप, कच्चे टेंट बनने शुरू हो चुके हैं। एक महीना हो चुका है डिमोलिशन को, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग को है, जो कि अपने प्राइवेट गाड़ी से आते हैं और अपना सामान यहाँ बेचते हैं। सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है उनके लिए, तो अपना सामान जो होता है वो गाड़ी पर ही रखते हैं और उसको सेल करते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कच्चे टेंट बन रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अभी भी नाजुक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे के हालात कैसे हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन इन मछुआरों ने हर परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया है। हालात नाजुक हैं, लेकिन ये अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हैं। धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएगा। एक महीने के बाद बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मलबा यूं का यूं ही है, लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहां अब कच्चे टेंट बन रहे हैं। ये यहां का दृश्य है, धीरे धीरे मछुआरे लौट रहे हैं इस बंदर पर। ये देख सकते हैं आप, कुछ हद तक यहां भी बदलाव आना शुरू हो चुका है। आगे देखते हैं, ये सब्जी वाले अपनी सम्यक आजीविका पूरी करने के लिए ये गांव के लोग और मछुआरे हालातों से जूझ रहे हैं। यहाँ ना कोई बड़ा उद्योग है और ना कोई बड़ी कंपनी जो इन्हें रोजी रोटी दे। ये बॉर्डर पर आया हुआ गांव है। हाल फिलहाल कुछ खास परिवर्तन आया नहीं है इस बंदर पर, लेकिन मछुआरे राह देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। ये व्यूज है जख्खू पोर्ट की जेटी का, जहाँ बड़े बड़े जहाज रखे जाते हैं। हालांकि बहुत जहाज है इस वक्त, लेकिन आगे हालात क्या होंगे किसी को नहीं पता। अभी अभी हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये जो आम लोग हैं मछुआरे, वो अपने काम में इतने मशगूल है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये जेटी का दृश्य है, आप देख सकते हैं समंदर में कितने बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, सब अपने काम में व्यस्त है। अगर मैं जख्खू पोर्ट पर फिशिंग की बात करूं तो यहां पर बहुत दूर से मछुआरे आते हैं फिशिंग करने के लिए, जैसे कि वेरावड, कोडिनार, उन्ना, द्वारका, जामनगर और महाराष्ट्र का नासिक, मुंबई इत्यादि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से फिशरमैन आते हैं, यहाँ फिशिंग करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।